एक हाथ से पतंग उड़ाते हुए। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और ब्लॉग लेके आया हूँ और ये आज है विश्वकर्मा पूजा और हम लोग जो करते हैं आज का प्लान वो है पतंग उड़ाने का। प्रीवियस ईयर में मैंने पतंग उड़ाया था मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से बारिश वारिश हो रहा था। इस बार भी वेदर वैसा ही कुछ है तो लेट्स सी द देखते हम लोग कि आज पतंग उड़ा पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो सभी कोई पतंग उड़ा रहा है और हम भी स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा भी तैयारी शुरू है पतंग का। ये है वेदर और काफ़ी लोग पतंग उड़ा रहे हैं ऑलरेडी और सब चिल्ला भी रहे हैं तो लेट्स सी कि आज हम लोग पतंग अच्छे से उड़ा पाते हैं कि नहीं। और देख ही सकते हैं बारिश का वेदर हो चुका है पूरा। सो चलते हैं जल्दी जल्दी, हम लोग कन्नी बांध लेते हैं पतंग में। और फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ आज और काफ़ी मेहनत लगेगा ये सब कन्नी वन्नी बांधने में। तो बांध के स्टार्ट करते हैं पतंग उड़ाना। तो पतंग रेडी हो गया मगर हवा तो अभी थोड़ा बहुत भी नहीं चल रहा है तो बहुत ही हाथ दुखेगा उड़ाने में। और फिलहाल मेरा पतंग उड़ चुका है, अब थोड़ी देर में और भी ऊंचा उड़ने वाला है तो लेट्स फाइट विद द पतंग्स। एक हाथ से पतंग उड़ाते हुए शायद पतंग दिख नहीं रहा होगा। सो ये आ गया मेरा सेकंड पतंग और पहला पतंग गया कट। काफ़ी देर से मेरा पतंग एक ही पड़ा हुआ है और मैंने पूरा आसमान खाली कर दिया है। आज कोई और संग में रहता तो फिर कोई भी एक जन कैमरा पकड़ता तो दिखा सकता था मैं आज बहुत सारा पतंग काटा। तो लेट्स सी कि अभी मैं और कितने देर तक यहाँ पे टिका रहता हूँ। फ़िलहाल तो आसमान खाली है। सो ये मेरा थर्ड पतंग और ये भी उड़ने के लिए रेडी। बारिश स्टार्ट और आज का प्लान भी लगता है फ्लॉप होने वाला है तो लेट्स सी देखते हैं कितने देर में बारिश छूट जाएगा। मैं आया और मुझे एक पतंग मिला तो इसको बाद में उड़ाया जाए, पहले ये वाला उड़ाते हैं। फाइनली मैं छत पे आ चुका हूँ और चलते हैं पतंग उड़ाते हैं फ़िलहाल तो। और अभी थोड़ा हवा चेंज हो चुका है तो डायरेक्शन मैं दिखा दूँ आप लोगों को। इस साइड में लेफ्ट की साइड हो रहा था, अभी हो गया राइट की साइड में और इधर पूरा ओपन स्पेस मिलेगा मुझे उड़ाने के लिए, तब मज़ा तो आना ही है। अभी हम लोग छत पे हैं और छत का थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं। आज जो है विश्वकर्मा पूजा तो फिर मैंने भी अभी कुछ पतंग उड़ाया है, काफ़ी सारा पतंग कट गया है तो लेट्स सी। आसमान भी काफ़ी सुंदर हो चुका है और देख सकते हैं ये पकड़ कट के आ रहा है पतंग, शायद मेरे छत पे आ जाए। ओह शिट, बहुत दूर चला गया। और भी काफ़ी सारे पतंग उड़ रहे हैं आज तो। फाइनली मेरा सारा पतंग ख़त्म और एक दो पतंग बचा हुआ है जो आसमान में उड़ रहा है, वो दिख नहीं रहा, ये रहा मेरा पतंग। सो देखा जाए, लगता है कि मेरा पतंग कटने वाला है कुछ देर में या फिर एक जन को काटेगा ज़रूर। और ये एक पतंग कटता हुआ और ये हमारा पतंग ले आ गया। और हाँ हाँ जाओ, बहुत सूता है उसमें, 1500 से ज़्यादा है। और ये हमारा पतंग काफ़ी दूर जाते हुए। और ये हमारा पतंग का फाइनली कट गया, अभी भी बेचारा ऊपर में हो रहा है। फाइनली हम छत से आ चुके हैं और मैंने भी नहावा लिया है और रेडी होके भी थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कि आज पूजा कहाँ कहाँ हुआ है। जहाँ अच्छा लगेगा फिर देखते हैं और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। और नीचे आने के बाद मैंने जब अपना हाथ देखा तो काफ़ी सारे कट लग चुके हैं तो क्या किया जा सकता है। सो ये मेरा हाथ काफ़ी हालत ख़राब हो चुका है हाथ का, तो एक दो दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेट्स सी। और निकलते हैं हम लोग घूमने के लिए और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ।
नहीं नहीं चलो आस्ते आस्ते चलो यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं और फिर हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।